नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की हमारे इस वीडियो में। आप देख रहे हैं टेकवर्ड यूट्यूब चैनल। मैं अतुल कुमार आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप एडोब फोटोशॉप में अपना फोटो कैसे एडिट कर सकते हैं। तो ये वीडियो कई पार्ट में होगी, तो ये वीडियो पार्ट वन है। तो इस वीडियो में सिर्फ आपको इतना बताएंगे फ़ोटो को कैसे सिलेक्ट करते हैं और कैसे पेस्ट करके, और जिस फोटो को प्रिंट करना है उसे कट करके कैसे आप प्रिंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे, तो वीडियो पूरा देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में शो हो रहे बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि पाए लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने हमारा फोटोशॉप अप्लीकेशन ओपन है। तो यहाँ पर देखिए फाइल आपको कहाँ से अपना फ़ोटो सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जाएंगे फाइल पे, तो यहाँ पर ओपन एस का ऑप्शन है। तो यहाँ पर से आप अपना फ़ोटो जो भी है आप सेलेक्ट कर सकते हैं आसानी से। तो यह आपके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ओ। तो जैसे ही आप कंट्रोल प्लस ओ दाबेंगे तो यहाँ पर आपके सामने फाइल ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर जिस फोल्डर में आपका फ़ोटो है यहाँ से इंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम अपना एक फ़ोटो इंटर करके दिखा देते हैं। सो यहाँ से हम चलते हैं नीचे। तो इस वीडियो में हम सिर्फ आपको फ़ोटो एंटर करके दिखाएंगे, तो वीडियो पूरा देखिए। तो यहाँ पर हम चलते हैं पहले दिस पीसी में, क्योंकि हमारा फ़ोटो इसी में है। तो यहाँ से ओपन किए, उसके बाद यहाँ पर चलते हैं पिक्चर में। तो यहाँ पर देखिए हमारा एक फ़ोटो है, तो हम इसे ओपन कर देते हैं। तो ओपन करने के बाद हमारा देखिए इसमें ओपन हो गया फोटोशॉप में। तो इसको अब कट कैसे करना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो सिर्फ इस वीडियो में आपको इसे कैसे न्यू पेज पर रख के प्रिंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो का सेकंड पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो फोटो को कट करके और कैसे तीन फोटो एक साथ प्रिंट करते हैं एकदम स्टूडियो की तरह। तो यहाँ पर इसके लिए आप कंट्रोल एन दबाना है और आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। तो मैंने ये आपको बता दिया, तो कंट्रोल एन से ही ये ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर अपना पेपर का साइज़ सेलेक्ट करना है, तो वैसे पेपर का साइज़ होना चाहिए जो मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया। तो यहाँ पर पेपर का साइज़ यही होना चाहिए क्योंकि इसी पे तीन फोटो आती है। यदि आपका पेपर साइज़ और हो जाएगा तो आपका पेपर ख़राब हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप यही साइज़ सेलेक्ट कर लीजिए, 8x10। तो यहाँ पर फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद अब आपको इसको कैसे यहाँ से इस पे लेकर जाना है वाइट पे। तो यहाँ से हमें तो ऐसे आएगा नहीं क्योंकि सिंपल से। तो यहाँ पर आपके सामने फ़ोटो के साइड में दिख रहा होगा टूल्स। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा टूल्स है। तो यहाँ पर देखिए सेलेक्ट है, तो यहाँ से हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं जो भी हमें पार्ट चाहिए जितना हमें ले जाना है उस पार। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो सेलेक्ट करने के बाद अब आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, उसके बगल में मूव टूल्स। तो यहाँ पर ये देखिए मूव टूल्स है। तो यहाँ से अब आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद मूव टूल्स पे क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आप फोटो ले जा करके इसमें पेस्ट कर देंगे। तो ये देखिए हमारा फ़ोटो आ चुका है। तो इसे आप यहाँ से छोट बड़ा भी कर सकते हैं। तो इसकी पूरी जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही सिर्फ आपको बताना था कैसे इसे पेस्ट करते हैं छोटे वीडियो में। तो हमने फ़ोटो को यहाँ से ले जा कर के यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर साइड में दिख रहा होगा आपको लेयर का ऑप्शन। तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे कैसे चेक कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर जैसे मारे इसे, इससे आपको बैकग्राउंड आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ से मैं चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर बैकग्राउंड आपको दिखाई दे रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर भी लेयर है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा फ़ोटो जो लिया है फर्स्ट में यही है, और जो इसके नीचे लेयर है वाइट है। तो यहाँ पर भी इसका भी बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको बताना था फ़ोटो कैसे सेलेक्ट करते हैं अपने फाइल से और कैसे इसमें पेस्ट कर देते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे फ़ोटो को कैसे कट करते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो से संबंधित कोई समस्या है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और वीडियो लेकर के।